हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास एवंथ हॉर्नबिल की एक पोएम चाइल्ड हुड सी एच आई एल डी केवल उस वर्ड की बात करें तो उसे चाइल्ड नहीं बोला जाता दैट इज कॉल्ड चाइल्ड क्या बोलते हैं उसको चाइल्ड ठीक है जैसे जो डॉक्टर होते हैं पेडियाट्रिशियन जिसको कहा जाता है जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कहा जाता है चाइल्ड स्पेशलिस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट ठीक है सी एच आई एल डी एच ओ ओ डी ये क्या है चाइल्ड हुड ये रहेगा आ? ये नहीं होगा चाइल्ड ये चाइल्ड हुड सो पोएम इज चाइल्ड हुड लिखा हुआ है ये मार्कस नैथान का एम ए आर के यू एस एन ए टी टी ई एन मैं बार बार बोलता हूँ कभी भी कोई पोएम पढ़ो उसके पोएट का नाम याद रखा करो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं आजकल तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन बन जाए देखो जब बात चाइल्ड चाइल्डहुड की आई तो दो और वर्ड मेरे दिमाग में आ गए मुझे लगता है कि उसे बता देना चाहिए यहाँ पर पहली चीज़ तो ये जानो कि जनरली क्या होता है कन्फ्यूज़ होते रहते हो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम अच्छे से क्लियर नहीं होती है तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है क्या है नाउन क्या है वो नाउन में कौन सा नाउन है एडजेक्टिव क्या है तो ये धीरे धीरे चीज़ें एक हैबिट डालो चीज़ों को समझने की एनालाइज़ करने की ठीक है जैसे अगर बात चाइल्ड की करो सी एच आई एल डी चाइल्ड जो है वो क्या है नाउन है नाउन में कौन सा नाउन है यू कैन से वो कॉमन नाउन है ठीक है उसका प्लूरल चिल्ड्रन hmm, कभी कभी गलती करते हैं बच्चे चिल्ड्रन का भी चिल्ड्रंस कर देते हैं ऐसा मत करना चाइल्ड का चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन क्या है वो कॉमन नाउन चाइल्डहुड क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बचपन बच्चा होने का जो बच्चा होने की जो एक, एक उम्र है दैट इज चाइल्डहुड ठीक है और दो शब्द जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो है एक होता है चाइल्ड लाइक एक होता है चाइल्डिश चाइल्ड लाइक क्या होता है जो बच्चे की तरह होता है इनोसेंट होता है जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं कुछ ख़ास उम्र तक बड़े भोले दुनिया से अनजान खुश वो है चाइल्ड लाइक चाइल्डिश जो है वो क्या होता है बचपना एक तरह से कह लो एक नेगेटिव पॉइंटेशन है उसका मतलब कोई बड़ा अगर बच्चों की तरह शैतानी करे या यूं कह लो कि कुछ ऐसी हरकत करे जो उसे एक्सपेक्ट न किया जाए वो बचपना है चाइल्डिश बिहेवियर कहा जाता है उसको ठीक है चलो हम लोग पोएम पर आते हैं जैसा मैं बार बार बोलता हूँ पोएम को सबसे पहले पढ़ने आना चाहिए हाउ टू रिसाइट अ पोएम पोएम ठीक है वे डिड माई चाइल्ड हुड गो वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11 वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेलेन हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी एंड देयर फॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे सी डिफरेंस क्या है

Could not be found in geography and therefore could not be. Was that the day? Was that the day? Yes. Yeah. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found my... माइंड वॉज रियली माइंड टू यूज विचर वे आई चूज प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट दोज़ ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइंड अलोन वॉज दैट द डे वे अडिट माई चाइल्ड हुड गो इट वेंट टू सम फॉरगटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इनफेंट्स फेस दैट्स ऑल आई नो सो शुरू से क्वेश्चन करते करते लास्ट में आकर के एक अफॉर्मेशन दे दिया एक स्टेटमेंट दे दिया ना विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हर स्टेंजा अपने आप में यूनिक है यूनिक बातें हैं और ऑल ऑफ अस रियलाइज दिस इस पोएम को पढ़ोगे खुद से भी कनेक्ट कर पाओगे पहले तो ये देखो कि तीन स्टेंजा में वेन डिड माई चाइल्ड हुड को पहले में, में दूसरे में और तीसरे में चौथे में वेन की जगह वेयर आ गया वेयर डिट माई चाइल्ड हुड को क्लियर है थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखो कभी भी पोएम वगैरह पढ़ते हो तो ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया मीनिंग जान लिया बस हो गया एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए ठीक है सो दैट अदर जो उसके एस्पेक्ट हैं जो एक तरह से कह लो स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट जो है उनको समझ सको ठीक है सो so, मैं बार बार बताता हूँ कि कभी भी जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो दो तरह की मीनिंग्स होती हैं एक होती है लिटरल एक होती है लिटरेरी लिटरल का मतलब जो लिखा है उसकी एग्जैक्ट मीनिंग समझ लिए तो समझ लिए कि लिटरल मीनिंग आ गई समझ में लेकिन जब बात करोगे लिटरेरी की तो एक्जैक्टली exactly कहना क्या चाहता है पोइट सजेस्टेड मीनिंग क्या है मतलब वो जो लिखा नहीं है वो समझना है क्लियर है तो पोएम में वो एफर्ट लगाना होता है कि लिटरल के साथ साथ लिटरेरी को समझ सको हाँ लिटरल हेल्प करता है लिटरेरी को समझने में है वेन डिड माई चाइल्ड हुड को एक क्वेश्चन है मेरा बचपन कब गया कहाँ गया मतलब गायब हो गया या मर गया जो भी है चाइल्डहुड बचपन कब गया तो बचपन जाता है तो क्या आता है अगर नेचुरल प्रोसेस देखो तो बचपन के बाद किशोरावस्था आती है युवावस्था आती है प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था यानी पहले इंसान जो पैदा होता है पहले बच्चा होता है धीरे धीरे टीन में जाता है फिर युवा होता है जवान होता है प्राउड होकर के बूढ़ा हो जाता है तो इसका मतलब वो बचपन चला गया वो क्या अब वही है कि क्या कब गया वेन डिड माई चाइल्ड हुड एक जो है ऑप्शन दे रहा है पोइट कॉज इट द डे आई सीज टू बीवन क्या ये वो समय था जब मैं ग्यारह का होना बंद हो गया ग्यारह का होना बंद हो गया मतलब ग्यारह साल जो उम्र है मतलब उसका कहने का है कि जब मैंने 11 की एज क्रॉस की क्या तब मेरा बचपन चला गया मतलब जो उम्र है क्या इस पर्टिकुलर चाइल्डहुड का रिलेशन उम्र से होता है या कुछ और ये क्लियर नहीं कर रहा है मतलब ये हुआ कि क्या ऐसा है कि 11 से जैसे ही बारह बारह साल के हुए या टीन एज में चले गए तो 13 से 19 टीनेज होती है टीन एज में चले गए तो क्या वो समय था जब चाइल्डहुड चला गया वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड दैटन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी ये देखो ये इंजम्पेंट है वो एक लाइन जो है दो लाइन में पूरी हो रही है पहली लाइन आधी ही है जब पूरी में समझोगे तो दोनों को पढ़ना होगा Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, and therefore could not be मतलब कह रहा है क्या ये वो समय था जब मुझे पता चला कि ये जो hell यानी जहन्नुम नरक heaven यानी जन्नत स्वर्ग ये कह रहा है कि जो जहन्नुम और जन्नत हैं ये जियोग्राफी पर नहीं मिलते यानी मतलब धरती पर खोजो कि कहाँ किस जगह को हम कहेंगे कि ये स्वर्ग है किसको कहेंगे कि ये नरक है ऐसा कुछ नहीं है मतलब ये कह रहा है क्या ये वो समय था जब मैंने रिअलाइज़ किया कि हेल और हेवन होते नहीं हैं वो हमारी सोच बनाती है उनका निर्माण करती है हमने अपने इमेजिनेशन से अपनी कल्पना से स्वर्ग और नरक की कल्पना कर ली है अब वो यहाँ मुझे शेक्सपियर की एक लाइन याद आती है हालांकि वो एक्जैक्टली exactly इसमें है नहीं आ, लेकिन थोड़ा सा उससे कुछ कोनोटेशन निकाल सकते हो शेक्सपियर कहते हैं देर इज़ नथिंग गुड और बैड बट आर थिंकिंग मेक इट्स अच्छा बुरा कुछ नहीं होता हमारी सोच उसे अच्छा बुरा बनाती है उसी तरह से हैवन और हेल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी सोच से बना हुआ है हमारे इमेजिनेशन से बना हुआ है तो पोइट पूछ रहा है क्या वो समय था जब मैंने ये रियलाइज कर लिया कि ये चीजें हैं नहीं धरती पर तो ये सच में होंगी नहीं तो है मतलब जब एक रीजन डेवलप हो गया जब रेशनल माइंड हो गया पोइट का है क्या तब क्या तब मतलब जब चीजों को समझने लगा जब वो समझ विकसित हो गई तो क्या उसके साथ चाइल्डहुड चला गया फिर When did my childhood go? Was it डिड time चाइल्डहुड गो that इट were नॉट ऑल they seemed टू बी कह रहा है कि क्या ये वो समय था जब मैंने रियलाइज किया जो एडल्ट हैं, जो बड़े हैं जो हमसे बड़े हैं जो हमें बड़ी अच्छी अच्छी सीख दिया करते हैं ये वैसे हैं नहीं जैसे दिखते हैं मतलब इनके होने और दिखने में अंतर है मतलब एक शब्द अगर यूज करें तो ये देर हिपोक्रेट्स हिपोक्रेसी है इनके भीतर छद्म जो है आवरण ओढ़े हुए हैं एक तरह से अगर थोड़ा सा और कड़वे शब्दों में कहा जाए तो भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं क्यों आगे बता रहा है

दूसरों को उपदेश देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है खुद इम्प्लीमेंट करना खुद के एक्शन में अपने आ, अपने व्यवहार में लाना बड़ा कठिन होता है तो ऐसे ये बड़े लोग हैं उपदेश देते हैं प्यार का लेकिन खुद प्यार से नहीं रहते दिस रिमाइंड्स मी ऑफ फेमस शॉर्ट स्टोरी एक बहुत खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी है ग्राहम गृहणी की गूगल करके पढ़ना उसको द बेसमेंट रूम एक चाइल्ड की साइकोलॉजी क्या होती है एक बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है किस तरह से हर बच्चा बड़ा होना चाहता है जल्दी लेकिन जब वो बड़ा होता है या परिस्थितियाँ उसको पहले बड़ा कर देती हैं तो फिर ये वो रियलाइज़ करता है कि यार मैं बच्चा ही अच्छा था कहाँ चला गया वो बचपन वो एक फेमस गाना है ना ये कश्ती भी ले लो ये कागज़ भी ले लो ये कश्ती भी ले लो चाहे छीन लो तुम मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी खैर वो कुछ अच्छा गलत मैंने बोल दिया ये शोहरत भी ले लो ऐसे कुछ करके है ना ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो चाहे छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी तो बचपन कितना महत्वपूर्ण है कितना कीमती है बच्चा होने पर पता नहीं चलता जब हम बड़े हो जाते हैं तब रियलाइज होता है तो वही कह रहा है क्या क्या ये वो समय था जब मैंने रियलाइज किया कि मेरे जो बड़े हैं कहते कुछ है करते कुछ है। यार दे आर हिपोक्रेट्स अच्छा ये वर्ड मैं यूज़ नहीं कर रहा है एन सी में आगे पढ़ोगे देखोगे क्वेश्चन में दिया हुआ है यू विल रियलाइज कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ वेन डिड माई चाइल्ड हुड गो वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड वाई रेशनल होना क्या वो समय था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिमाग मेरा ही है मतलब इसे कोई दूसरा कोई कंस्ट्रक्ट क्यों करे जैसा कि हम लोग करते हैं हमारे समाज में होता है हर बच्चा पैदा होता है बड़ा अच्छा होता है लेकिन समाज उसको कंस्ट्रक्ट उसके दिमाग को ऐसा कर देता है कूड़ा भर देता है समय के साथ कई लोग अपने एजुकेशन के थ्रू अच्छे एनवायरनमेंट के थ्रू उस कूड़े को बाहर निकाल पाते हैं कई नहीं निकाल पाते वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड टू यूज विच एवर वे आई चूज मेरा दिमाग खुद का है किस तरह से यूज करना है मैं जानता हूं मैं स्वतंत्र हूं उसको यूज करने के लिए जब मैंने ये जाना क्या तब मेरा बचपन चला गया प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट आर नॉट ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माई अलोन वॉज डे अब देखो क्रिएटिविटी की बात कर रहा है यहाँ कॉपी पेस्ट का ज़माना चल रहा है कॉपी <laughs> पेस्ट से क्या होगा कोई कह रहा है कि क्या ये वो समय था जब मुझे लगा कि मैं भी क्रिएटिव हो सकता हूँ मैं कुछ ऐसे विचार ला सकता हूँ जो किसी और के नहीं जो मेरे अपने हैं जब मुझे लगा कि मैं कॉपी पेस्ट ना करके अच्छा बच्चा क्या करते बचपन में जब छोटा होता है उसको जब सिखाया जाता है तो क्या सिखाया जाता है कॉपी पेस्ट करना सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता ए बी सी डी जब बच्चा देख देख करके लिखता है देख देख करके बनाता है कखों कखा देख देख करके बनाता है देख देख करके लर्न करता है चीज़ों को उस समय तो कॉपी पेस्ट कर रहा होता है कॉपी पेस्ट नॉलेज लेकिन उसी कॉपी पेस्ट नॉलेज की हेल्प से आगे चल करके अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है अच्छी अच्छी बातें जानता है बातें करता है थाट्स क्रिएट करता है क्रिएटिव बनता है तो कह रहे हैं क्या ये वो समय था जब मेरा बचपन चला गया जब मैं क्रिएटिव हो गया जब मैंने समझा कि मेरे दिमाग पर मेरा हक़ है मैं इसको अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ नई चीज़ें इन्वेंट कर सकता हूँ इनोवेशन ला सकता हूँ खैर कब गया ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें से कुछ भी हो सकता है और ये सही बात है ये सारी बातें हैं जो हमारे बचपन को खत्म करने में हेल्प करती हैं हेल्प करना नहीं कहूँगा मैं बल्कि कहूँगा ख़त्म कर देती हैं क्योंकि बचपन का चला जाना एक तरह से सही है हर चीज़ उम्र समय के साथ अच्छी लगती है लेकिन कभी कभी रियलाइज होता है कि बचपन या चाइल्ड लाइक -like होना बहुत ज़रूरी है बहुत सीरियस होकर के जीना सही नहीं है ज़िंदगी को इतना सीरियस लेना भी सही नहीं है वे अडिट माई चाइल्ड हुड को कहाँ गया बचपन इट वेंट टू समेस बोला ये कुछ ऐसी जगह चला गया जो जगह भूल गई कहाँ गया बचपन कर रहे इन फैंट फेस जो कोई इन्फेंट होता है जो कोई बच्चा नवजात होता है शिशु होता है न्यू बॉर्न बेबी करा उसके चेहरे में चला गया मैं मतलब क्या है मतलब ये है कि कहीं न कहीं अगर एक कॉनोटेशन ये भी देखा जाए तो ये है कि अब समय ऐसा आया है कि बच्चा जब पैदा होता है तभी बच्चा रहता है उसके बाद कुछ समय बाद ही उसका वो बचपन ख़त्म होना शुरू हो जाता है और इसमें सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रवोक करती है देखा होगा कम उम्र के बच्चे भी आजकल इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और खास करके टेक्नोलॉजी वगैरह की बात अगर देखो कैसे हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी युग के बच्चे मतलब मैं देख करके हैरान होता हूँ कोई तीन साल का बच्चा ढाई साल का बच्चा यूट्यूब वीडियो देख रहा है अरे क्या टेक्नोलॉजी का प्रभाव है हमने इतना ज़्यादा एक्सपोजर दे रखा है कि वो समय से पहले ही वो मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों में तो यानी इनफेंट्स फेस में बचपन चला गया है नहीं करने का मतलब ये है कि अब शायद कंडीशन ये हो चुकी है कि बच्चा जब पैदा होता है तभी बच्चा रहता है बस उसके बाद उसका बचपन ख़त्म होना शुरू हो जाता है बचपन को बचाने की ज़रूरत है ना अब उसमें तमाम और बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम लोग जैसे चाइल्ड लेबर की बात है बाल श्रम की बात है जो बचपन में ही जो खेलने खाने की उम्र होती है पढ़ने की उम्र होती है उस उम्र में बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं इसलिए तो बाल श्रम का वो एक्ट भी बना हुआ है कि छः से चौदह साल तक के बच्चे को आप कहीं चौदह साल से आ, कम उम्र के बच्चे को आप कहीं काम पर नहीं लगा सकते अगर ऐसा करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है खैर उसके कई सारे पहलू हैं अपनी अपनी ज़रूरतें हैं लेकिन ये सच है कि चाइल्डहुड को बचाने की जरूरत है आई होप कि पोएम अच्छे से समझ में आई होगी अब देखो इसमें क्या है नीचे कुछ कुछ जैसे क्वेश्चन है उसमें देखो एक क्या दिया है कह है ना कि आइडेंटिफाई द स्टेंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअलिटी की बात कौन सी स्टेंजा करती है इंडिविजुअलिटी क्या है जिसमें किसका आप किसी का अपना गुण काम करे जैसे इंडिविजुअलिटी स्पेशली किस में आएगा ये जो है कि when did my childhood go को it when I आई फाउंड my माइंड my was really mine अपना मेरा दिमाग खुद का अपना है मैं खुद क्रिएटिव हो सकता हूँ खुद की चीज़ ला सकता हूँ तो ये हो गया इंडिविजुअलिटी तो इंडिविजुअलिटी को शो करने वाले एक्सटेंस कौन सा है ये तीसरा वाला है क्लियर है उसके बाद क्या बोला है रेशनलिज्म रेशनल Rational होना यानी लॉजिकल होना लॉजिक लगाने वाला होना लॉजिक का यूज़ करने वाला होना तो पहले तो यही है वॉज एट दाइम आई रियलाइज दट हेल एन हैवन को नॉट बी फाउंड इन जोग्रफी रेशनैलिटी है यहाँ पर तो रेशनलिज्म यहाँ पर भी है और कहीं है ये भी है हालाँकि इस तरह से इसको नहीं करेंगे बल्कि हाँ ये रेशनलिजम के लिए हम इसी को रखते हैं पहला वाला स्टेंजा एक और उसमें दिया है हिपोक्रेसी वाला स्टेंजा कौन सा तो हिपोक्रेसी वाला यही है दूसरा वाला जो एडल्ट के बारे में है कि वो जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं ठीक है काफ़ी अच्छी पोएम है और आई होप कि अब बाकी क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे इसमें पढ़ोगे तो ये जो पूछा ना विश डू यू थिंक आर द मोस्ट पोइटिक लाइन्स वाई कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा पोइटिक है मुझे लगता है कि लास्ट वाली ही है दैट्स इटन इन इन्फेंट्स फेस चाइल्ड हुड कहाँ छुप गया जा के इन्फेंट के फेस में बच्चे के फेस में छुपा है मतलब एक तरह से कह लें कि बहुत समय आ, बहुत कम समय तक ही जो है चाइल्डहुड रह पाता है एक इंडिविजुअल के साथ और ये सोसाइटी हमारे अपने हमारे लोग हमारी फैमिली हमारे बड़े हमारे बड़े कई ऐसी हरकतें सिखाते हैं हमको मैं कहूँगा कि नेगेटिव हरकतें सिखाते हैं अगर हम अपने बच्चों से बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो बहुत ख़राब चीज़ें भी सीखते हैं नोविंगली अन नोविंगली जैसा वो इन्वायरमेंट हमको देते हैं खैर अब ये पूरी पोएम अच्छे से एक बार खुद से पढ़ लेना और इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कर जाना ठीक है